প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা হওয়ায় ইস্তক ব্যারাকপুরের মাঠে কামড়ে পড়ে রয়েছেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। পিছিয়ে নেই বিজেপি প্রার্থী তথা ব্যারাকপুরের বিদায়ী সাংসদ অর্জুন সিংও। 2019 সালে লোকসভা নির্বাচনে টিকিট না পেয়ে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে গিয়েছিলেন অর্জুন সিং। বিজেপির টিকিটে লোকসভা ভোটে জেতার পর অবশ্য ফের তৃণমূলে ফেরেন তিনি। এবারেও তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে অভিমানে দল ছেড়েছেন। টিকিট পেতে আবার গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েছেন ব্যারাকপুরের বাহুবলী। প্রার্থী হয়েছেন সেই প্রার্থীর সমর্থনেই ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে প্রচারে নম। অর্জুন সিং এর গড় ব্যারাকপুরে প্রচারে গিয়ে নরেন্দ্র মোদীর মূল তাস ছিল ধর্মীয় মেরুকরণ। মোদীর প্রায় 27 মিনিটের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বারবার উঠে এসেছে ধর্মের প্রসঙ্গ। বঙ্গাল মে আপনি আস্থা কা পালন করনা ভি গুনাহ হো গয়া হ্যায়। বঙ্গাল মে টিএমসি সরকার राम का नाम नहीं लेने देती। बंगाल में टीएमसी ये सरकार रामनवमी नहीं मनाने देती। कांग्रेस और लेफ्ट के लोगों ने भी राम मंदिर के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है। क्या टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट के हाथ में ऐसे लोगों के हाथ में ये महान देश सौंपा जा सकता है क्या? इन लोगों ने बंगाल में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया। ये लोग कह रहे हैं कि आरक्षण अब मुसलमानों को दिया जाए। क्या ये देश दलितों के साथ अन्याय स्वीकार करेगा? क्या ये देश आदिवासियों के साथ अन्याय स्वीकार करेगा? विभाजन के पीड़ितों को उनका हक देने का विरोध कर रहे हैं। नाम शूद्र साथियों को नागरिकता देने के खिलाफ है। दुर्नीतिर अस्त्रे तृणमूल के फिर एक बार आक्रमण शासन नमो। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के दलों ने पूर्वी भारत को पिछड़ा ही छोड़ दिया। धरती इतिहास रचने वाली धरती है, लेकिन टीएमसी ने इसका क्या हाल बना दिया है। आज टीएमसी ने इसे घोटाले का गढ़ बना दिया है। आज टीएमसी के राज में जगह जगह बम बनाने की होम इंडस्ट्री चल रही है। टीएमसी कांग्रेस के इंडिया अलायंस ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के आगे घुटने टेक दिए हैं। जनता खुद नारे लगा रही है, चोर धरो जेल भरो। मोदी बंगाल में हुई इस लूट की पाई पाई का हिसाब लेगा। बैरकपुर सभा के बांगलार मानुषर जो 5 गारंटी दिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं डंके की चोट पर बंगाल को 5 गारंटी दे रहा हूं। जब तक मोदी है एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। जब तक मोदी है रामनवमी मनाने से भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। जब तक मोदी है राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। जब तक मोदी है सीएए कानून को भी
कोई रद्द नहीं कर पाए की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। ভাটপাড়া সভা থেকে বাংলার ভালো ফলের আশা প্রকাশ করেন নরেন্দ্র মোদী। সমাবেশে জনসমাগম দেখে তিনি জানান, বাংলায় 2019 এর থেকেও ভালো ফল করবে বিজেপি। इस बार एक अलग ही माहौल है, कुछ अलग ही होने जा रहा है। 2019 की सफलता से कहीं ज्यादा बड़ी सफलता इस बार भाजपा को मिलने जा रही है। ব্যারাকপুর লোকসভা আসন দুই রাজনৈতিক শিবিরের কাছেই সম্মানের বিষয়, তাই লড়াই আরো আকর্ষণীয় হতে চলেছে বলে মত ব্যারাকপুরবাসী। ব্যুরো রিপোর্ট, সময় কলকাতা।